राजकीय महाविद्यालय नईमगढ़ थाना के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो क्लास है वह BA और MA के हिंदी साहित्य से जुड़े हुए या हिंदी माध्यम में जो छात्र अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं उनके लिए हिंदी में रोजगार के अवसरों के बारे में बात करने जा रहा हूं। विद्यार्थियों, अक्सर हिंदी को लेकर हमारे छात्रों के मन में थोड़ा सा फियर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उन छात्रों के बनिस्पत कि जो अंग्रेजी माध्यम से हैं या जिन्होंने अंग्रेजी को एक ऐच्छिक विषय के रूप में चुना है। तो आज हम उस विद्यार्थियों की उस दुविधा का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी आज एक वैश्विक भाषा बन चुका है, एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में हिंदी ने अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया है। अभी तक हम ये मानते थे कि जो छात्र अंग्रेजी माध्यम से है या अंग्रेजी विषय के रूप में जिसने अपनी पढ़ाई में अंग्रेजी विषय का चयन किया है वह रोजगार के जब अवसर आएंगे तो उन छात्रों को अधिक वरीयता दी जाएगी। यह अभी तक सभी स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा रहती थी, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गए हैं। अब हिंदी ने अपने आप को एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यह हम जानते हैं कि भाषा वही टिकती है जो अर्थशास्त्र जुड़ी हुई हो, अर्थात जो भाषा रोजगार देने में सक्षम है उस भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहेगा, अन्यथा वह भाषा भाषाई क्षेत्र में पिछड़ती चली जाएगी। हमारी मूल भाषाओं के साथ यही हुआ है। संस्कृत अब बहुत गिने चुने लोग ही बोल पाते हैं, या और जो दूसरी भाषाएं जो पुराने समय में काफी प्रचलन में थी लेकिन धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो गई है। तो सीधा सा भाषा का सीधा सा संबंध रोजगार से है कि जो भाषा रोजगार देने में सक्षम होगी उसी भाषा का अस्तित्व लंबे समय तक रह पाएगा। तो हिंदी ने इस कमी को पूरा किया है और हिंदी आज चूंकि रोजगार देने में सक्षम भाषा बन गई है और इसीलिए हिंदी ने अपने आप को वैश्विक प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे से उभार लिया है। और हिंदी भाषियों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है कि विश्व में बोले जाने वाली जो प्रमुख तीन भाषाएं हैं, चाइना की मंदारिन हो या अमेरिकन जो ब्रिटेन और अमेरिका में प्रमुख तय बोले जाने वाली अंग्रेजी भाषा हो या और तीसरे नंबर पे हिंदी भाषा हो, तो विश्व की तीन प्रमुख भाषाओं में हिंदी ने अपनी पहचान दिखा दी है। और आज कई क्षेत्रों में कई सिनेरियों के हिसाब से हिंदी वह मूल भाषा है जो कई बार आंकड़ों के हिसाब से विश्व में सर्वाधिक रूप से बोले जाने वाली भाषा भी बन गई है। अब सवाल यह आता है कि हिंदी में जब हिंदी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, अपने आप को एक वैश्विक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है, तो क्या यह रोजगार देने में सक्षम हो पाएगी? क्या यह हिंदी भाषाओं के लिए, हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए गौरव की बात है? और क्या यह आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक रोजगार का बेहतर अवसर सुलभ करा पाएगी? तो इस विषय में हम बात करते हैं कि हिंदी में अब तक जो पारंपरिक अवसर थे रोजगार के वह थे अध्यापन का कार्य। मूल कार्य था अध्यापन का कि हिंदी में बीए और एमए किए हुए विद्यार्थी बीएड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ईयर, सेकंड ग्रेड या उच्च क्लासों में अध्ययन और अध्यापन से जुड़ जाते थे और यह रोजगार का एक सामान्य अवसर होता था। इसके अलावा हिंदी माध्यम के या हिंदी साहित्य विषय से पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए केवल एक ही पारंपरिक कार्य था और वह था फ्रीलांस के रूप में अपना लेखन कार्य करना, अर्थात हिंदी साहित्य के विद्यार्थी लेखन कार्य को भी अपना रोजगार बना लेते थे जिसमें कि सफलता की संभावना बहुत ज्यादा नहीं थी। अब हालात बदल रहे हैं क्योंकि हिंदी भी अब मार्केट की भाषा बन चुकी है, विपणन की और मार्केटिंग की भाषा बन चुकी है। तो हिंदी में जो पारंपरिक अवसर
थे, शैक्षणिक या शिक्षा व्यवसाय से जुड़ने या लेखकीय व्यवसाय से जुड़ने, आज वह हालात बदल रहे हैं और अब हिंदी जो है वो रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में सक्षम हो रही है। अब वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हिंदी में रोजगार हासिल किए जाते हैं, तो मोटे तौर पे जिन मुख्य रोजगार के अवसरों को मैंने यहाँ पर उठाया है उनमें देखिए, सबसे पहला आता है प्रिंट और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र, जहां बात आती है मास कम्युनिकेशन की। अर्थात मास कम्युनिकेशन आज वर्ल्ड का हॉट एरिया है, जहां पर रोजगार की असीमित संभावनाएं हैं। अगर आपने काबिलियत है और भाषा पर पकड़ है, आप जुझारू हो, तो आप मीडिया के क्षेत्र में बहुत जल्दी एंट्री कर पाओगे और बहुत ऊंचे पारिश्रमिक को प्राप्त कर पाओगे। मीडिया के क्षेत्र में मीडिया चूंकि दो प्रकार का होता है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो दोनों में ही कमोबेश बहुत ज्यादा अवसर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें से नीचे की पोस्ट से लेकर ऊपर तक की पोस्ट वो हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई विद्यार्थी फील्ड का काम करना चाहता है तो उसके लिए पत्रकारिता अर्थात समाचार रिपोर्टर या संवाददाता जिसे कहा जाता है उसके रूप में अवसर है। अगर उसकी अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो वो रिपोर्टर बन सकता है, एंकर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। इसके अलावा डेस्क का जो काम होता है, जिसमें से टाइपिंग से लेकर प्रूफ रीडिंग, कॉलम लिखना, टाइटलिंग करना, ये सारे कार्य जो है वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही समान रूप से उपयोगी है, और विद्यार्थी जो है इन दोनों क्षेत्रों में अपना अवसर तलाश कर सकता है। अगर हम बात करें मीडिया के अलावा एक और किस्म का एंटरटेनमेंट जो चैनल है हमारा, वो है फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री, और वहां पर भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बेशुमार हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी विद्यार्थियों को अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए कूद जाना चाहिए उस क्षेत्र में, नहीं। अभिनेता और अभिनेत्री को प्रस्तुत जब हम सिनेमा के रूप में करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोग उस चीज से जुड़े हुए होते हैं, और हिंदी के विद्यार्थियों को जो पीछे का हिस्सा है, जिससे कि वो फिल्म या कोई भी जो टेलीविजन का कार्यक्रम है वह बनता है, उसमें रोजगार के बहुत अवसर है। वह एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है, वह एक अच्छा पटकथा लेखक बन सकता है, वह अगर गीत लिखने में रुचि है तो वह बहुत अच्छा गीतकार बन सकता है। अगर आपको संवाद लिखने का कौशल है तो आप बहुत अच्छे डायलॉग राइटर या संवाद लेखक बन सकते हो। तो ये सारे, चाहे पटकथा लेखन हो, चाहे स्क्रीन प्ले हो, चाहे वो संवाद लेखन हो, चाहे वो गीतकार हो, ये असीम अवसर भारतीय टेलीविजन और सिनेमा हिंदी के विद्यार्थियों के लिए पैदा कर रहा है। हम ये जानते हैं कि बहुत से गीतकार जैसे प्रसून जोशी, गुलजार, इंदीवर, ये सारे गीतकार हिंदी से ही, हिंदी उर्दू के विद्यार्थी रहे हैं और इंडस्ट्री में हाईली पेड हैं। उनका एक एक कॉलम, एक एक गीत बहुत लाखों में उनको भुगतान करवाता है, तो यह हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अपार संभावनाएं, अपार संभावनाओं का द्वार खोलता है। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अलावा एक इंटरनेट आधारित इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिसमें हिंदी के विद्यार्थियों के लिए असीमित रोजगार के अवसर है। अगर हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हम ये देखेंगे कि इंटरनेट पर जो सामग्री आज से 4-5 साल पहले तक केवल अंग्रेजी में जो सामग्री छपती थी, इंटरनेट भी अंग्रेजी में दिखाई देता था, जो वेबसाइट छपती थी वो सारी की सारी अंग्रेजी में छपती थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और आज हिंदी में भी इंटरनेट से संबंधित सारा कार्य किया जाता है। जो मैगजीन्स इंग्लिश में छपती थी आज वो हिंदी में छप रही है, जो ब्लॉगर्स इंग्लिश में लिखते थे वो आज हिंदी को अपना रहे हैं, अर्थात इंटरनेट पर भी जो सेवाएं हैं, चाहे वो ई पत्रिकाओं के रूप में हो, कच्चे चिट्ठे, ब्लॉगर्स, इनके रूप में रचनात्मक लेखन को
यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर आपके अंदर कौशल है और आप क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं और हिंदी आपका भाषा है तो भी आप बहुत ही आसानी से सहज रूप से आप इन वेबसाइटों पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और आप अपना काम दिखाकर वहां से अपनी जीविका अर्जन कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी आप हिंदी का जो परिदृश्य है वो बहुत व्यापकता के साथ फैल रहा है। हिंदी अब एक सिमटी हुई भाषा और एक सिर्फ बोलने वाली भाषा न रहकर आज एक व्यापार की भाषा बन गई है। आज चूंकि भारत में बहुसंख्यक और भारत ही नहीं विदेशों में भी हिंदी भाषी लोग बढ़ रहे हैं, हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए इस ग्लोबल आर्थिक जो क्षेत्र है इसमें अपार संभावनाएं हिंदी को रोजगार के रूप में अपनाने की चल पड़ी है और हिंदी आज बहुत ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने वाली भाषा जैसा कि अंग्रेजी भाषा है वैसे ही बन गई है। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी को अपनाएंगे और हिंदी में जो रोजगार के नए अवसर जो नए द्वार खुले हैं उनको देखते हुए अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी रचनात्मक कौशल है और भाषा के ऊपर जो अधिकार है उसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।